आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां गैंगरेप पीड़िता को नहीं मिला इंसाफ, पुलिस नहीं कर पाई आरोपियों की गिरफ्तारी। एक महीना बीत जाने पर भी मामले पर नहीं हुई है कोई भी सुनवाई। पीड़िता ने चिकासी थाने में दर्ज कराया था यह पूरा मामला। पीड़िता न्याय पाने के लिए इस वक्त चक्कर लगाने को मजबूर है। जिले के चिकासी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला इस वक्त हम आपको हमीरपुर से बता रहे हैं, जहां पर इस वक्त एक पीड़िता न्याय की गुहार लगाती दिखाई दे रही है। गैंगरेप की पीड़िता है जिसको अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। पुलिस की तरफ से अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। आरोप लगा है कि अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पूरा एक महीना बीत चुका है पर अभी तक मामले में पुलिस की तरफ से कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। चिकासी थाना पुलिस की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। जिले के चिकासी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला हम आपको हमीरपुर से बता रहे हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से महिला सुरक्षा पर एक गंभीर सवाल उठता दिखाई दे रहा है हमीरपुर में। गैंगरेप पीड़िता न्याय के लिए इस वक्त गुहार लगाती दिखाई दे रही है। पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगता दिखाई दे रहा है। एक महीना बीत चुका है लेकिन अभी तक पीड़िता थाने के चक्कर लगाने पर मजबूर है। जिले के चिकासी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं हमीरपुर से। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे हमीरपुर संवाददाता ब्रजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो ब्रजेश, एक महीने से गैंगरेप पीड़िता न्याय की गुहार लगा रही है, क्या कुछ है पूरा मामला? अनुष्का जी, आपको बताना चाहूंगा कि यह पूरा मामला हमीरपुर जिले के चिकासी थाना क्षेत्र का है जी। यहाँ की एक पीड़ित युवती ने बीते माह चिकासी थाने में गैंगरेप का मामला दर्ज कराया था, जिसमें चार आरोपी नामजद किए थे। नामजद आरोपी होने के बावजूद भी चिकासी थाना पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर सकी है, जिसके बाद पीड़िता न्याय पाने के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। और आज भटकते हुए पीड़िता पुलिस अधीक्षक की चौखट पर पहुंची है और वहां पर एक प्रार्थना पत्र सौंपते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करी है और चिकासी थाना पुलिस के ढुलमुल रवैये पर आरोप लगाया है। जी जी, तो जिस तरह से पुलिस अधीक्षक के पास आज न्याय की गुहार लगाई गई है, ऐसे में पुलिस अधीक्षक की तरफ से क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर बयान जारी किया गया है? हाँ, इस मामले में पुलिस अधीक्षक का कहना है कि पीड़िता की तहरीर के मुताबिक चिकासी थाने में चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और जल्द ही चारों आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा करी जाएगी। जी जी ब्रजेश, जिस तरह से एक महीने का लंबा वक्त बीत चुका है, गैंगरेप पीड़िता अभी भी न्याय की गुहार लगा रही है। सामने आया है कि चिकासी थाना पुलिस को पूरे मामले की तहरीर भी मिल चुकी थी, ऐसे में क्या कुछ वजह निकलकर सामने आई है जो अपराधी अभी तक पुलिस की पहुंच से दूर है? आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस अधीक्षक ने अपना बयान जारी किया है कि इस पूरे मामले में पीड़िता के तहरीर के मुताबिक चिकासी थाने में मामला दर्ज किया गया था, लेकिन जिस मामले की एक माह पहले से अभी तक विवेचना प्रचलित है, लेकिन अभी तक पुलिस की विवेचना प्रचलित नहीं हो पाई और आरोपी इस समय खुलेआम घूम रहे हैं और पीड़िता न्याय पाने की आस में दर तक भटकने को मजबूर है। जी बहुत बहुत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमीरपुर से इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर गैंगरेप पीड़िता इस वक्त न्याय की गुहार लगाने को परेशान। और इसी बीच लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर बाल बाल बचा है एम्बुलेंस चालक। स्टेयरिंग फेल होने के चलते बिगड़ा गाड़ी का बैलेंस, जहां पर खाई में गिरते गिरते बची है एम्बुलेंस। ईशानगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पीड़िता न्याय पाने के लिए चक्कर लगा रही। वही हमीरपुर से एक और खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर हमीरपुर में फटा ट्रक का टायर, बालू लदे ट्रक का टायर फट गया। ट्रक के नीचे काम कर रहा मिस्त्री ट्रक की चपेट में आ गया।
जहां पर मौके पर ही मिस्त्री की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं पुलिस ने ट्रक को इस वक्त हिरासत में ले लिया है। जलालपुर थाना क्षेत्र के भेड़ी डांडा गांव का ये पूरा मामला हमीरपुर से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर दर्दनाक हादसा देखने को मिला, जहां हमीरपुर में ट्रक का टायर फटने के बाद एक हादसा देखने को मिला। बालू लदे ट्रक का टायर फट गया, जिसकी चपेट में आने पर एक मिस्त्री की मौत हो गई। ट्रक के नीचे काम कर रहा मिस्त्री जो था वो उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने ट्रक को हिरासत में ले लिया। जलालपुर थाना क्षेत्र के भेड़ी डांडा गांव का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।